तुम्हारी आराधना के स्वर श्री महागणेश तक पहुंचाने वाली भक्ति हूँ। मैं तुम्हारी आराधना को स्वर प्रदान करने वाली पूजा हूँ। देवताओं को प्रताड़ित कर नारद उन्हें सत्य का ज्ञान कराते हैं। पार्वती की सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने भोलेनाथ वृद्ध का रूप धारण करके आते हैं। पार्वती की तप शक्ति से प्रसन्न भोलेनाथ उन्हें विवाह का वचन देते हैं। हिमालय महल आनंद और प्रसन्नता से खिलखिला उठता है। धन्य धन्य है महादेव जिन्होंने देवी पार्वती को वचन देकर अत्याचारी तारकासुर का वध निश्चित कर दिया। नारायण नारायण। देवराज आपकी सोच कितनी सीमित है। क्या आपको अपने स्वार्थ के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता? तनिक सोचें, शिव और पार्वती का विवाह कितना रोमांचकारी होगा। संसार में कल्याण का प्रारंभ होगा, धर्म का संस्थापन होगा और अधर्म का नाश होगा। क्षमा देवऋषि नारद, क्षमा। सत्य ही, मैं अपने स्वार्थ के कारण शिव पार्वती विवाह को अनदेखा करने की भयानक भूल कर बैठा। मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण देवराज, यदि आपको अपने अपराधों की क्षमा मांगनी है तो परमदेव श्री महागणेश से मांगे। वैसे भी इस समय आप शिव मंदिर में खड़े ही हैं। देवी पार्वती द्वारा पूजित इस शिवलिंग के आगे मस्तक झुकाकर अपने अपराधों की क्षमा मांगे, भोलेनाथ आपको क्षमा कर देंगे। अवश्य अवश्य देव ऋषि। क्षमा, मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मेरी तपस्या सफल हुई। सदा सुखी रहो पुत्री। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। आपका कल्याण हो। महाराज हिमालय एवं महारानी मैना, आप दोनों को शत शत शुभकामनाएं। देवी पार्वती, आपने अपनी कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ की विवाह हेतु स्वीकृति प्राप्त की है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपको भी शत शत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। देव ऋषि नारद, मेरी पुत्री के सौभाग्य की घोषणा तो आपने पहले ही कर दी थी। आपको भी शत शत बधाई हो। नारायण नारायण। महारानी मैना, प्रसन्नता के शुभ अवसर पर देव ऋषि नारद का स्वागत मिष्ठान से करें। अवश्य स्वामी। नारायण नारायण। देवी पार्वती, आपकी सखियों की उद्विग्नता देखकर हम ये भली भांति जानते हैं कि वे अवश्य आपसे महादेव को प्रसन्न करने वाला महामंत्र जानने की इच्छुक हैं। नारायण नारायण। आप अन्यथा ना लें तो एक बात कहूं देवर्षि नारद। अवश्य, ऐसे अवसर पर तो अन्यथा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। हास परिहास का ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारी प्रिय सखी पार्वती से महादेव को प्रसन्न करने वाला महामंत्र आप भी सुन लें। जिसका प्रयोग करके आज नहीं तो कल देवऋषि नारद को भी एक नारदी मिल जाए। नारायण नारायण। देवियों, यदि इस नारद को नारदी मिल गई, तो आप सबका उद्धार कौन करेगा? आपके पतियों तक आपकी प्रार्थना के स्वर कौन पहुंचाएगा? नारायण नारायण। हमारी चिंता में आप देवी नारदी की कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हमारे लिए तो अब प्रिय सखी पार्वती जी का महादेव जी को प्रसन्न करने वाला महामंत्र ही सहायक होगा। देव ऋषि नारद, आप भी कहां इन वाचाल कन्याओं के मुंह लग गए? नारायण नारायण। महाराज हिमालय, युगों युगों की कठोर साधना के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे आनंद के क्षण आते हैं, ये क्षण तो अपने आप को आनंद से ओत प्रोत कर देने का है। नारायण नारायण। इसे स्वीकार करें देवर्षि, आप सदा ही हिमालय राज परिवार पर अपनी कृपा करते रहे हैं।
महादेव की स्वीकृति से हम पर अनेक दायित्व आ गए हैं। आप पूर्ववत कृपा करते रहें। महारानी मैना, देवी पार्वती एवं महादेव शिव के विवाह में योगदान देना तो इस नारद का सौभाग्य होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे योग्य तो समझा। महाराज हिमालय, विवाह कार्यक्रम में आपको तनिक भी मेरी आवश्यकता पड़े तो नाम लेकर स्मरण करें। परम देव श्री महागणेश की सौगंध में क्षण मात्र में उपस्थित हो जाऊंगा। नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। पुत्री पार्वती, तुम अपनी सखियों से वार्तालाप करो, सदा सुखी रहो पुत्री। चलिए महारानी। तुम सत्य कह रही हो राजकुमारी? हाँ सखी, मेरी मनोकामना की पूर्ति परम देव श्री महागणेश की कृपा का ही परिणाम है। मेरी जन्म जन्म की आकांक्षा पूर्ण होगी। मैं शिव संगिनी बनूंगी और इस मिलन के पश्चात श्री महागणेश मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे। धन्य है राजकुमारी, आप धन्य हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। कैलाशपति शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। महादेव, सप्त ऋषियों और देवर्षि नारद की प्रार्थना के कारण आपने देवी पार्वती को विवाह का वचन देकर हम सबको धन्य कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देने के लिए ही कैलाश आए हैं। हमारा धन्यवाद स्वीकार करें महादेव। हे शरणागतों पर दया करने वाले भगवान हर, मेरा एक निवेदन सुने। देवी पार्वती को दिए अपने वचन के कारण अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप वैदिक विधि से अपने इस मंगल अनुष्ठान को संपन्न करवाएं, जिससे आपके विवाह की विधि संसार में विख्यात होकर जन जन की प्रेरणा बने। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, वैकुंठपति श्री विष्णु, देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, सप्त ऋषियों, देवगुरु बृहस्पति, देवगणों, महादेवी लक्ष्मी तथा महादेवी सरस्वती, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। आप सभी की शुभकामनाओं तथा श्री महागणेश की इच्छा से ये शुभ मुहूर्त आ गया है। ब्रह्मदेव, आपको इस मंगल अनुष्ठान का समस्त वैदिक कार्यक्रम संपादित करना है। कैलाशपति शिव शंभु, इस शुभ अवसर के वैदिक अनुष्ठान का दायित्व मुझे सौंपकर आपने महान कृपा की है। आप निश्चिंत रहे महादेव, समस्त कार्यक्रम वैदिक रीति के साथ ही संपन्न होगा। हे भक्त वत्सल महादेव, आपने माता पार्वती को विवाह की स्वीकृति देकर अत्याचारी दुष्ट तारकासुर के वध का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आपको शत शत धन्यवाद। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। जय शिव शंकर। जय जय महादेव। नारायण नारायण। महाराज हिमालय के राजगुरु गर्ग ऋषि का कैलाश लोक में स्वागत है। परमपिता, गर्ग ऋषि भगवान भोलेनाथ के विवाह मुहूर्त आदि के संबंध में विचार करने ही कैलाश पधारे। महाराज हिमालय के राजगुरु परम ज्ञानी ऋषि गर्ग, कहें कैसे कष्ट किया? परमपिता ब्रह्मा जी, मैं महाराज हिमालय तथा समस्त हिमाचल राज्य की ओर से फागुन कृष्ण पक्ष
एकादशी की रात्रि शिव पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर आप सब लोगों को हिमालय राजमहल में उपस्थित होने का निमंत्रण देने आया हूं। आप सब राजमहल में पधारकर हमें अनुग्रहित करें। ऋषिवर गर्ग, कन्या पक्ष की ओर से आपके द्वारा निकाला गया विवाह मुहूर्त वर वधू दोनों के सौभाग्य के अनुकूल है। हम सब निश्चित समय पर वर यात्रा लेकर हिमालय राजमहल अवश्य पधारेंगे। परमपिता, मेरे द्वारा निकाले गए मुहूर्त को स्वीकृति प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया। देवाधिदेव महादेव, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने समस्त परिचितों, भक्तों एवं गणों को इस मंगल अनुष्ठान में अवश्य आमंत्रित करें। ऋषिवर गर्ग, आप निश्चिंत रहे, ये संसार पिछले कई युगों से शिव विवाह के मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था। हिमालय राज ही नहीं अपितु ये संसार युगों युगों तक महादेव की वर यात्रा का स्मरण कर रोमांचित होता रहेगा। ऋषिवर, आप परमपिता के कथन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि शिव विवाह और वर यात्रा के पश्चात संसार का हर युवक इसी प्रकार अपनी वर यात्रा निकालने की आकांक्षा रखेगा। नारायण नारायण। ऋषिवर गर्ग, हमें कन्या पक्ष के कार्यक्रमों और व्यस्त गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान है। मैं ब्रह्मदेव की ओर से आपको आश्वस्त करता हूँ कि शिव जी की वर यात्रा निश्चित मुहूर्त पर हिमालय राजमहल पहुंच जाएगी। जय शिव शंकर, जय जय महादेव। ब्रह्मदेव का आश्वासन पाकर गर्ग ऋषि कैलाश से प्रस्थान करते हैं। वर वधु दोनों ही पक्षों में शिव पार्वती के विवाह का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। शिव पार्वती का विवाह संसार का शाश्वत सत्य है, जो आज पुनः श्री महागणेश की इच्छा से प्रमाणित होगा। विवाह हेतु शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ और वर यात्रा में सम्मिलित सभी प्रसन्न चित हिमालय महल में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव शंकर की। ऋषिवर गर्ग, महादेव शिव एवं महादेवी पार्वती के विवाह के शुभ अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व हमें प्रथम पूज्य एवं इस संसार की अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी परम देव श्री महागणेश की अग्र पूजा करनी चाहिए। परम पिता ब्रह्मा जी, निर्विघ्न विवाह संपन्न करते हुए मैंने परम देव श्री महागणेश की मूर्ति स्थापना एवं आराधना पहले ही कर दी है। नारायण नारायण। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश की, परम देव श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की। हिमालय राज एवं मैना रानी, विवाह मुहूर्त समीप आ गया है, कृपया कन्या को बुलाएं। जो आ गया ब्रह्मदेव। महारानी, कृपा करके आप सब अपना स्थान ग्रहण करें, आइए। I'm
हे शिव शंभू, विवाह की पूर्व परंपरा के अनुसार आप हमारे कुलगुरु गर्ग ऋषि को अपने गोत्र का परिचय दें तथा कुलग्राम आदि का नाम भी बताएं। गंग 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 हिमालय राज, ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी मूर्ता के वशीभूत होकर भोलेनाथ से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आपकी बात मुझे अत्यंत उपहासजनक लग रही है। हिमालय राज, इनके कुल गोत्र और ग्राम का नाम तो देवता और सप्तऋषि भी नहीं जानते। इन लीला बिहारी महेश्वर को चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। नारायण नारायण। सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। देवर्षि नारद, तुमने अत्यंत समयानुकूल उत्तर दिया है। नारायण नारायण। देवी पार्वती को जन्म देने वाले हिमालय राज एवं राजगुरु गर्ग, अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो और उसे सुनकर महादेव को देवी पार्वती का कन्यादान कर दे। महाराज, लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले भोलेनाथ का कुल गोत्र और ग्राम केवल नाथ है। नाथ शिवमय है और शिव नादमय, यही पूर्ण सत्य है। नारायण नारायण। वर यात्रा में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, देवऋषि नारद, हमसे महादेव जी के आदर में निश्चित ही भूल हुई है। मैं पर्वतराज हिमालय इस भूल का सुधार करने के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूं तथा अपनी पुत्री पार्वती महादेव शिव को दान देता हूं। हे सर्वेश्वर, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें तथा इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों।